कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बार वो वहां जातीय समीकरण को भी साधने में लगे हैं। इसी वजह से वो गुजरात के चार युवा नेताओं के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। जनमन विशेष। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और अब प्रवीण राम, गुजरात के ये चार युवा चेहरे क्या इस चुनाव में राहुल की नैया पार लगाएंगे? क्या राहुल इन युवा नेताओं के भरोसे दो दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार। क्या भाजपा ने ये गुजरात उनके उन लोगों ने लिख दिया है? उन लोगों ने दस्तावेज थोड़ी ना कर रखे कि नहीं ये गुजरात हमारा, यहाँ पर हम ही सब कुछ करेंगे। यार विपक्ष है तो विपक्ष भी बात करेगी अपने। ये भाजपा का एक दलित विरोधी रवैया साफ दिख रहा है। भाजपा पार्टी भी अपना ये सभी मुद्दों पे अपना स्टैंड क्लियर करे ताकि हम भी तय कर सके कि हम किसी कौन सी पार्टी को समर्थन दे। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ इन तीन युवा नेताओं के तीखे तेवर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। गुजरात में युवा नेताओं की फौज तैयार करने में जुटे राहुल गांधी ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को पहले ही अपने पाले में लाकर एक बड़ा दाव खेल चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि अल्पेश के जरिए वो गुजरात के 45 से 50 फीसद ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे। राहुल के इस चुनावी समीकरण में दूसरे नंबर पर हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो इस चुनाव में किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस की लॉलीपॉप में से उन्हें कांग्रेस की लॉलीपॉप ज्यादा पसंद है। तो विजय भाई ने जो लॉलीपॉप दी थी वो शक्कर वाली थी, ये बिना शक्कर की, क्योंकि सत्ता में लोग नहीं है, फिर भी ये बात अच्छी तरह से कह रहे हैं। मुद्दा यही है कि उन्होंने जो ओबीसी दिया था जिसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उनका जो युवा स्वावलंबन योजना था वो दूसरी बार रिन्यू नहीं हुआ, और अभी आयोग की बात की तो आयोग की अभी तक अमलवारी नहीं हुई। तो सिर्फ वो तो बातें करने में माहिर है, अमलवारी करने में नहीं। तो कांग्रेस दे पाएगी सर सत्ता में? तो आने तो, अगर विपक्ष में है तो फिर भी ये बात करते है। अच्छा है हार्दिक पटेल ने खुद ही ये कह दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस केवल चुनावी लॉलीपॉप दे रही है, क्योंकि पटेलों को आरक्षण देने के लिए उन्हें ओबीसी में शामिल करना होगा। यानी पटेलों को अगर ओबीसी में शामिल करना होगा तो उसके कानून को संविधान की 9वीं सूची में डालना होगा, और ये काम केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है, और केंद्र में क्योंकि फिलहाल बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी हार्दिक करोक कांग्रेस की तरफ नरम है और उन्होंने कहा कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। हार्दिक के इस ट्वीट से भी उनका रुख साफ है, जिसमें उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का हमारा प्रयोग पूरी तरह असफल और विनाशकारी साबित हुआ। इस चुनावी जंग में राहुल के तीसरे यार बने हैं दलित नेता जिग्नेश मेवाणी। गुजरात में करीब 7% दलित वोट है। जिग्नेश ने कांग्रेस से दलितों से जुड़ी समस्याओं पर अपना रुख साफ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी और कांग्रेस की तरफ नरम रुख ये बताने के लिए काफी है कि राहुल के मिशन गुजरात में वो भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। कांग्रेस की लीडर्स यहाँ की यूनिट ने मुझे इन्वाइट किया है, और शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के दलवी साहब का मेरे ऊपर भी फोन आया था। राहुल जी ने भी बहुत बड़े आदर के साथ 3-4 बार एक जनसभा में मेरा नाम लिया। तो हम राहुल जी से हमारी डिमांड्स को लेकर, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, हमारी डिमांड्स को लेकर संवाद करने को तैयार है। ये है बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले प्रवीण राम। प्रवीण पिछले 2 साल से तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में उनके समर्थक हैं। अब चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत से मुलाकात की है और कांग्रेस की तरफ झुकते दिख रहे हैं। जो हमने आंदोलन चलाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, फिक्स कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, जो जिन कर्मचारियों को लघुतम वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये सभी मुद्दों में कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। यदि कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों पर पॉजिटिव है, जनादेश कांग्रेस पार्टी की तरफ आता है, तो हम कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण समर्थन देंगे। जैसे पाटीदार आरक्षण आंदोलन हुआ, जैसे ओबीसी का समाज सुधारणा आंदोलन हुआ, जैसे दलितों का ऊना की घटना को लेकर फिर आगे आंदोलन हुआ,
तो ये तीनों तो थे ही, और चौथा यदि इसको राम को ले लें तो राम भी तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो लोग सरकार के कुछ कामकाज से, सरकार के निर्णयों से कुछ असंतुष्ट थे। और स्वाभाविक है, पिछले दो दशक से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में नहीं है तो कांग्रेस इन आंदोलनों का लाभ उठाना चाहेगी। इनका जो भार हुआ है पिछले दो साल में हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। इनका कोई जनाधार है या नहीं ये अभी टेस्ट होना है। चुनाव से पहले कांग्रेस गुजरात में जो समीकरण बनाने में लगी है उसके मुताबिक अगर वाकई उसे पाटीदार दलित और ओबीसी समुदाय का साथ मिल जाता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि ये चारों नेता मिलकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएं। राहुल गांधी की कोशिश कहां तक रंग ला सकती है, कितनी सीटों पर है इन चार युवा नेताओं का असर, बता रही हैं रोमाना। तो गुजरात विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में मिशन गुजरात पर निकले राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती है 22 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराना। और राहुल के इस मिशन में चार नेताओं की बड़ी अहम भूमिका रह सकती है। कौन से हैं ये चार नेता, इस बार ये चार युवा नेता? इनमें एक ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर हैं, दूसरे हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, तीसरे दलित नेता हैं जिग्नेश मेवाणी, देख रहे हैं आप, और चौथे हैं युवा आंदोलनकारी प्रवीण राम। इनमें से ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर, ये देखिए अल्पेश ठाकुर आपके सामने हैं, ये पहले ही शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। गुजरात की करीब 110 सीटें ऐसी हैं जिस पर ओबीसी वोटर्स का असर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नेता की, हार्दिक पटेल आपके सामने हैं, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। गुजरात की करीब 80 सीटों पर पाटीदार वोटर्स का बड़ा प्रभाव है, अहम किरदार साबित हो सकते हैं हार्दिक पटेल। जल्दी से तीसरे नेता की बात करते हैं, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी है, ये बीजेपी का विरोध करने की बात कर रहे हैं। गुजरात की 11 सीटों पर दलित वोटर्स की बड़ी भूमिका है। और देखिए इन युवा नेताओं की लिस्ट में एक नया नाम जो सामने आया है वो ये प्रवीण राम का नाम है, जो दो साल से गुजरात की जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन चला रहे हैं। युवाओं पर इनकी पकड़ मानी जाती है। गुजरात में पाटीदार, ओबीसी, दलित अब तक बीजेपी के वोट बैंक माने जाते रहे, लेकिन इस बार अगर ये वोट कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो फिर बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है और सत्ता से बेदखल कर सकते हैं ये बीजेपी को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।